ट्रैफिक पुलिस की शहरियों के लिए सहूलत, अब चालान फीस जमा कराने बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर चालान और मौके पर ही कागजात वापस होंगे। ट्रैफिक पुलिस का चालान जमा कराने के लिए ऐप मुतारिफ कराने का फैसला, ऐप से शहरी मौके पर ही चालान जमा कराने जा सकेंगे। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बेजाबतगियों का बाजार गर्म, सोसाइटी मेंबरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को एक्शन लेने के लिए खत, सोसाइटी सदर खादिम हुसैन भट्ट को 2014 की इंक्वायरियों में कसूरवार ठहराया गया। और ज्यादती केस में 19 माह जेल की सलाखों के पीछे रहने वाला मुलजिम बरी, सिंफी तशद्दुद कोर्ट ने 65 साला असलम को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया। फैसले के बाद असलम अदालत के बाहर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों के लिए सहूलत, अब चालान फीस जमा कराने बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर चालान और मौके पर ही कागजात वापस होंगे। ट्रैफिक पुलिस का चालान जमा कराने के लिए ऐप मुतारिफ कराने का फैसला, ऐप से शहरी मौके पर ही चालान जमा कराने जा सकेंगे। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बेजाबतगियों का बाजार गर्म, सोसाइटी मेंबरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को एक्शन लेने के लिए खत, सोसाइटी सदर खादिम हुसैन भट्ट को 2014 की इंक्वायरियों में कसूरवार ठहराया गया। और ज्यादती केस में 19 माह जेल की सलाखों के पीछे रहने वाला मुलजिम बरी, सिंफी तशद्दुद कोर्ट ने 65 साला असलम को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया। फैसले के बाद असलम अदालत के बाहर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों के लिए सहूलत, अब चालान फीस जमा कराने बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर चालान और मौके पर ही कागजात वापस होंगे। ट्रैफिक पुलिस का चालान जमा कराने के लिए ऐप मुतारिफ कराने का फैसला, ऐप से शहरी मौके पर ही चालान जमा कराने जा सकेंगे। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बेजाबतगियों का बाजार गर्म, सोसाइटी मेंबरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को एक्शन लेने के लिए खत, सोसाइटी सदर खादिम हुसैन भट्ट को 2014 की इंक्वायरियों में कसूरवार ठहराया गया। और ज्यादती केस में 19 माह जेल की सलाखों के पीछे रहने वाला मुलजिम बरी, सिंफी तशद्दुद कोर्ट ने 65 साला असलम को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया। फैसले के बाद असलम अदालत के बाहर रोता रहा।